नमस्कार। राधे का टाइटल ट्रैक राधे 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 रिलीज हो चुका है। आई होप सो आपने फीफा फूज में उसका रिव्यू अभी तक देख लिया होगा। इस वीडियो में मैं राहुल भोज आपको बताऊंगा पांच ऐसी बड़ी बातें जो इस सॉन्ग को राधे योर मोस्ट वांटेड भाई के इस सॉन्ग को टाइटल ट्रैक को राधे को बनाती है सुपरहिट और बाकी के तमाम सॉन्ग से एक हटके सॉन्ग बनाता है। आइए इस वीडियो में उन्हीं पांच बातों की बातें करते हैं, जिक्र करते हैं उन पांच बातों का। स्वागत है आपका फीफा फूज में। आ गया है होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। फेसबुक ट्विटर इंस्टा पे मौजूद हूं तो आप मुझे वहां पर राहुल भोज के नाम से ही सर्च कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों राधे योर मोस्ट वांटेड भाई के इस मोस्ट वांटेड सॉन्ग के बारे में जो कि था राधे 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 राधे। सबसे पहले इस गाने को जो सुपरहिट बनाता है वो है इसका म्यूजिक। जी हाँ, साजिद वाजिद जी, वाजिद साहब अभी हमारे बीच में नहीं है दोस्तों, मे गॉड रेस्ट हिज सोल इन पीस। साजिद वाजिद जी ने ये कंपोज किया, वाजिद साहब का ये आखिरी गाना था साजिद जी के साथ दोस्तों। और आपको बताना चाहता हूँ कि उन्होंने जो गाने में जान फूकी है, इस गाने को उन्होंने मैजिकल बना दिया, लिटरली 100 करोड़ का गाना बना दिया उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने राधे 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 परफॉर्मेंस को डाल के। जिस तरीके से साजिद भाई गा रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने म्यूजिक दिया है वाजिद भाई के साथ मिलकर, लाजवाब, फैंटेब्यूलस है, फैंटास्टिक है। यह है रीजन नंबर वन। रीजन नंबर टू, भाई का स्वैग। भाई यहां पर किक मारते हुए नजर आ रहे हैं, भाई यहां पर टर्न मारते हुए नजर आ रहे हैं, बंदूक की गोली मारते हुए नजर आ रहे हैं, बंदूक से गोली चलाते हुए नजर आ रहे हैं। गोली जैसी चल रही है, उस पर जो शॉट्स लिए गए हैं वो इस सॉन्ग को बनाती है एकदम से स्टाइलाइज वर्जन। एक ऐसा सॉन्ग जिसे देखने के लिए मतलब इंडियंस के आप बाहर के लोग भी, ये कियानो रीव्स और ये जिनकी भी फिल्में आती है मैट्रिक्स दोस्तों, ये तक इनफैक्ट टॉम हैंक्स, टॉम क्रूज, इन लोगों को भी पीछे कर देता है इसकी, इतनी बढ़िया इन्होंने स्टाइलाइज्ड वर्जन में इसको शूट किया है और भाई का स्वैग है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, इस गाने को जिस तरीके से स्टाइलाइज्ड वर्जन में शूट किया है, जिस तरीके से स्लो मोशंस का इस्तेमाल किया है या फिर क्रोमा स्क्रीन का इस्तेमाल किया है या जिस तरीके से इसका सेट बनाया गया है वो लाजवाब है और इस गाने को बनाता है वो सुपर डुपर हिट। चौथी बड़ी बात, सॉन्ग में दिशा पाटनी का जलवा। दिशा पाटनी, हम सबको पता है कि दिशा को डांस बहुत अच्छा लगता है करना और दिशा इसमें सचमुच वैसा ही डांस करते हुए नजर आ रही है। पांचवी बात, भाई और दिशा की केमिस्ट्री, बिल्कुल भी एज डिफरेंस नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है कि दे आर मेंट फॉर ईच अदर। और जिस तरीके से दोनों एक दूसरे के साथ डांस कर रहे हैं, रोमांस कर रहे हैं, चांस मार रहे हैं, A1, इस गाने को वो सुपरहिट बनाती है। और मैं कह सकता हूं ये गाना जो है ये दिल दे दिया ले लीजिए या फिर इससे पहले वाला रिलीज सॉन्ग ये वाला ले लीजिए, क्या कहते हैं भूल गया कौन सा आया था वो, हाँ ये वाला सिटी मार, इन दोनों को पिछाड़ के आगे बढ़ेगा। आपको क्या लगता है कमेंट करें, बाय। आपके हिसाब से वो पांच बातें और कौन सी हैं या कोई अपने तरफ से एडिशनल बात कहना चाहते हैं तो।